नानामी कियोटाका से बैरियर के बाहर मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे मालूम चलता है कि कियोटाका तो बहुत जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसे मरते देख नानामी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और दूसरी तरफ मैमे भी उस कर्ज यूजर को काफ़ी आसानी के साथ हरा देती है और ओयू उसके हारे हुए कर्ज पेट के ऊपर बैठा हुआ था। और इसी के चलते मैमे अपनी कर्ज टेक्निक को एक्सप्लेन करने लगती है और इस टेक्निक का नाम ब्लैकबर्ड मैनिपुलेशन है। इस टेक्निक की मदद से मैमे अपने आसपास के क्रोस को कंट्रोल कर सकती है और वो उनकी आंखों से देख भी सकती है। वैसे तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैमे बचपन से ही इसे प्रैक्टिस करती आ रही है ताकि वो इसे यूज़ कर सके। वो अपने आप को यही दिलासा दे रही थी कि बिना कर्ज टेक्निक की मदद से भी एक अच्छा सॉर्सरर बना जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक की भी एक लिमिट है। वो इस कर्ज टेक्निक को आगे बढ़ा नहीं पा रही थी जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है। और इसी सब के चलते उसने अपनी टेक्निक को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के अंदर लगा दिया और इसी वजह से वो एक ग्रेड वन की सॉर्सरर बन चुकी है। उसकी स्पीच को ख़त्म होते देख ओयू ताली बजाने लगता है और वो उस हारे हुए कर्ज यूज़र एबिना को भी ताली बजाने को कहने लगता है। और इसी सब के चलते मैमे एबिना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एबिना उसके सामने रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहने लगता है कि आज के बाद वो बुरा काम नहीं करेगा, जिसके चलते मैमे ओयू से पूछने लगती है कि आखिर जान की कीमत क्या होती है। ओयू कहने लगता है कि एक इंसान की जान की कीमत उतनी ही होती है जितना वो मैमे के काम का हो। और अब मैमे एबिना से भी यही सवाल पूछने लगती है, लेकिन एबिना इस सब का जवाब नहीं दे पाता और इसी के चलते वो अपना सर नीचे झुका लेता है, जिस पर मैमे कहने लगती है कि वो एक कर्ज यूज़र और एक खूनी है, इसीलिए वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया। और फिर मैमे एबिना का सर कुल्हाड़ी से कुचल देती है, जिस वजह से एबिना की जान निकल जाती है। और बाहर की तरफ इटाडोरी उन दोनों किलों को भी तोड़ देता है, जिस वजह से बाहर मौजूद कर्टन हट जाता है। वो कर्टन सॉर्सरर्स को स्टेशन जाने से रोक रहा था, लेकिन अब वो कहीं भी जा सकते हैं। अब इस जगह पर दो कर्टन्स ही मौजूद हैं, पहला वो जिसके अंदर गोजो कैद है और दूसरा वो जिसके अंदर आम लोग कैद हैं। मैगुमी जीरो से कई सारे सवाल पूछने वाला था, लेकिन अब तो उसे होश नहीं आने वाला, जिसके चलते ये दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों को टावर के ऊपर टाकोमा की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी इन दोनों को मालूम चलता है कि टाकोमा तो टावर से नीचे गिर रहा है। मैगुमी अब नुए को समोन कर देता है, जिस वजह से वो उसे बचा लेता है और फिर इटाडोरी उसे कैच कर लेता है। लेकिन उसकी ये हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और टावर के ऊपर ओगामी का पोता उससे सवाल करने लगता है। वो कहता है कि कर्टन तो गिर चुका है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। ओगामी उससे कहने लगती है कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए और कई सारे सॉर्सरर को मारना चाहिए, लेकिन कुछ देर तक उसी जगह पर खड़े रहने के बाद तोजी जवाब देता है, आखिर मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बुढ़िया। इस बार तोजी की बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी वहां पर पहुंच चुकी थी और ओगामी ये चीज़ कर काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है, क्योंकि तोजी पूरी तरह से लौट आया था। ओगामी ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो हर बार अपने काले जादू की मदद से सिर्फ मरे हुए शरीर को ही बुलाती है, ना कि किसी आत्मा को। तो आखिर तोजी की आत्मा इसी बॉडी के अंदर कैसे आ गई? और यहाँ पर तो तोजी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे लौट आया। तोजी को लगने लगता है कि उसने ओगामी के पोते की आत्मा को हरा दिया होगा। ओगामी कहने लगती है कि आखिर एक शरीर आत्मा से कैसे हार सकता है, लेकिन पलक झपकते ही तोजी उसके पास पहुँच जाता है। तोजी ओगामी से कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ऑर्डर दिया था ना कि कई सारे सॉर्सरर को मार दो, तो आखिर तुम भी एक सॉर्सरर ही हो, तो मैं शुरुआत तुम्हीं से करता हूँ। और इसी सब के चलते तोजी ओगामी को मार देता है। यहाँ पर मैगुमी को मालूम चलता है कि ताकोमा मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और इटाडोरी उससे कहने लगता है कि हमें भी टावर पर ऊपर जाकर लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन मैगुमी उससे कहने लगता है कि अभी हमारे लिए ज़रूरी गोजो है और इसीलिए इटाडोरी को स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, और इटाडोरी भी अपना दिमाग शांत कर उसकी बात मान लेता है। वैसे तो मैगुमी इटाडोरी को अकेले वहाँ पर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन इटाडोरी मैगुमी से कहने लगता है कि इस बार उसके साथ मैकामारू भी मौजूद है, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैकामारू ने काफ़ी लंबे समय से कुछ बोला भी नहीं था। मैगुमी इटाडोरी को जाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम फिर से मर गए तो वो ही उसकी जान ले लेगा। दूसरी तरफ मैमे सोच रही थी कि गोजो को बचाने के लिए आखिर उससे कितना बड़ा इनाम मिलेगा, और दूसरी तरफ स्यूडो गेतो भी उसके कई ज़्यादा नज़दीकी था और ऊपर की तरफ माकी की टीम ट्रांसफिगर्स को मार रही थी। और उसे मालूम चलता है कि बैरियर के बाहर कई सारे लोग उनके मैनेजर्स पर अटैक कर रहे हैं,
जिसके चलते वो नोबारा और अकारी को बाहर जाने को कहने लगती है और वो यहाँ पर अकेले ही सब कुछ संभालने को तैयार थी। अकारी और नोबारा को बाहर आने के साथ ही हारुटा मिल जाता है जो कि उन लोगों के मैनेजर्स को मार रहा था। वो अकारी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि कई सारे मर्दों को मारने के बाद वो थक चुका था। नोबारा अकारी से कहने लगती है कि मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाए और हारुटा उसकी तरफ तलवार दे मारता है, लेकिन नोबारा उसके अटैक को रोक लेती है और मौका मिलते ही अकारी भी वहाँ से भाग जाती है। नोबारा हारुटा पर अटैक कर देती है, जिस पर हारुटा नोबारा से पूछने लगता है कि हम दोनों तो पहले ही मिल चुके हैं। हारुटा की तलवार के अंदर एक कर्ज ऑब्जेक्ट है जो कि अकारी के पीछे लग जाता है। नोबारा हारुटा पर अटैक करने लगती है लेकिन इस सब का उस पर कोई असर नहीं होता और अब हारुटा ये भी समझ जाता है कि अकारी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। हारुटा की तलवार अकारी को स्टैब कर देती है और इसी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। हारुटा भी वहाँ पर आकर उसे एक जोर की लात मारता है। नोबारा वहाँ पर आने के साथ ही उस पर अपनी किलों से अटैक करने लगती है लेकिन हारुटा अपनी तलवार की मदद से दूर कर देता है। नोबारा अपने कई सारी कीलों को छत पर दे मारती है जिस वजह से छत ही नीचे गिर जाती है और नोबारा को लगने लगता है कि वो जीत गई, लेकिन तभी हारुटा की तलवार आकर उसे जोर का पंच मार देती है और इसी के चलते नोबारा का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और हारुटा उसके पास आने के साथ ही उसका मजाक बनाने लगता है। वो नोबारा से कहने लगता है कि पिछली बार के मुकाबले तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, लेकिन उसकी कर्स टेक्निक के आगे वो कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद हारुटा सोचने लगता है कि इन दोनों के अंदर से उसे किससे पहले मारना चाहिए, जिसके चलते नोबारा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। वो हारुटा से पूछने लगती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन हारुटा के पास तो कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं था। वो बताता है कि वो तो सिर्फ मज़े के लिए ही लोगों को मार रहा था और इतना कहने के साथ ही वो अकारी की टांग के अंदर कई सारे कट्स मार देता है। नोबारा भी उसे बातचीत कर रोकने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो नोबारा की बात नहीं सुनता। नोबारा खड़े होते हुए हारुटा से लड़ाई करने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो उससे लड़ाई नहीं कर पाती और हारुटा उसे जोर की लात दे मारता है। और इस सब के चलते हम लोग देखते हैं कि कोई कांच तोड़ने के साथ ही अंदर आ चुका था और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद नानामी था। नानामी को काफ़ी खतरनाक गुस्सा आ रहा था और वो अपनी टाई को खोलने के साथ ही अपने हाथ पर बांध लेता है। नानामी हारुटा के पास जाने लगता है और हारुटा उसे धमकाने लगता है कि अगर वो उसके पास आया तो वो अकारी को मार देगा, लेकिन अकारी तो वहाँ से रेंगते हुए भाग चुकी थी। नानामी एकदम से हारुटा के पीछे आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसके कितने सारे साथी है, लेकिन हारुटा अपनी तलवार निकालने के साथ ही नानामी के कंधे पर कट मार देता है और फिर वो नानामी को एक जोर की लात मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हारुटा को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने किसी पत्थर की दीवार पर लात मारी हो और उसकी इस लात से नानामी को कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते नानामी फिर से हारुटा से पूछने लगता है कि आखिर उसके कितने सारे साथी है, लेकिन हारुटा फिर से उस पर अटैक करने लगता है जिस पर नानामी अपनी रेशियो टेक्निक का यूज़ करने लगता है और इस टेक्निक से दुश्मन के शरीर पर एक वीक पॉइंट बन जाता है और अब नानामी की एक मुक्के से हारुटा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और नानामी की ताकत देखकर नोबारा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हारुटा की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और अगर उसके पास अपनी टेक्निक नहीं होती तो नानामी के मुक्के की वजह से उसकी जान निकल जाती। दरअसल में हारुटा के चेहरे पर जो मार्क्स है वो उसकी लाइफ है। जितने सारे मार्क्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लाइफ भी ख़त्म होती जाएगी। नानामी उसके पास आने के साथ ही उससे फिर से यही सवाल पूछता है और सही जवाब नहीं मिलने पर उसे फिर से जोर का मुक्का मार देता है। हारुटा की एक और लाइफ निकल गई थी और हारुटा के चेहरे पर सिर्फ 3 मार्क्स ही और बाकी थे। हारुटा अपने कर्स टूल को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन नोबारा अपनी कीलों की मदद से उसे दूर भेज देती है। नानामी हारुटा का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उससे पूछने लगता है कि क्या इन सभी मैनेजर्स की ये हालत उसने की है। हारुटा के चेहरे पर काफ़ी खतरनाक खौफ था जिसके चलते वो नानामी से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन नानामी उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता है जिस वजह से वो बाहर जाकर गिरता है। और यहाँ पर नोबारा भी समझ चुकी थी कि आखिर एक ग्रेड 1 सॉर्सरर की पावर क्या होती है। नानामी नोबारा से कहने लगता है कि उसे अकारी के पास जाना चाहिए और दूसरी तरफ टनल के अंदर स्यूडो गेतो और मैमे की मुलाकात हो जाती है। मैमे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर गेतो जिंदा कैसे है और वो समझ जाती है कि ये ज़रूर कोई बहरूपिया है। ये दोनों लोग ही लड़ाई करने को तैयार थे और अब स्यूडो गेतो एक स्मॉल पॉक्स कर्स को बाहर निकालता है
मैमे भी उसकी ये टेक्निक देखकर डर जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि आखिर ये गेटो कैसे है। और स्यूडो गेटो उसे बताने लगता है कि पिछले साल की नाइट परेड की वजह से उसके पास कई सारे कर्सेस नहीं बचे हैं, और इतना कहकर गेटो वहाँ से जाने लगता है। वो मैमे से कहता है कि अगर वो इस कर्स पेड को मार पाए तो वो लोग फिर से मिलेंगे। वो कर्स पेड तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसके चलते मैमे एक बॉक्स के अंदर बंद होती है। उस बॉक्स के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और वो कर्स पेड अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है, लेकिन मैमे उस पत्थर को तोड़ने के साथ ही अचानक से बाहर आ जाती है और मैमे उस कर्स की टेक्निक की तारीफ करने लगती है। दूसरी तरफ नानामी अकारी और नोबारा को बताने लगता है कि कियोटा का जल्दी ही सही हो जाएगा, और वो इन दोनों को गोजो के सील होने की बात भी बताने लगता है क्योंकि इन दोनों ने इटाडोरी की चीख नहीं सुनी थी। नानामी फिर से बैरियर के अंदर जा रहा था और नोबारा भी उसके साथ चलने को कहने लगती है, लेकिन नानामी साफ मना कर देता है। ये लड़ाई सिर्फ ग्रेड वन ही जीत सकते हैं और बाकी के लोग उनके सिर्फ रास्ते में ही आएंगे। इतना कहने के साथ ही नानामी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ इटाडोरी शिबुया स्टेशन के अंदर पहुँच जाता है और लोगों को रास्ते में ढूंढते हुए उसे रास्ते के अंदर चोजो मिल जाता है, और वो इटाडोरी से अपने भाइयों के लिए बदला लेना चाहता था। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो।